वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ रहीमा और आज हमारी कहानी का नाम है अकलमंद बंदर और मगरमच्छ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। एक तालाब में एक बहुत बूढ़ा सा मगरमच्छ रहता था। अब उस बूढ़े मगरमच्छ से शिकार नहीं होता था और पास ही दरख्त पे एक बंदर मजे से बैठा हुआ मीठे मीठे अमरूद खा रहा था। मगरमच्छ ने सोचा, क्यों ना बंदर भाई से कुछ अमरूद लेके खाए जाए। बंदर ने दरख्त पे से मगरमच्छ को अमरूद तोड़ कर दिए और ऐसे ही रोज मगरमच्छ बंदर से अमरूद लेकर खाता था। एक दिन वो मगरमच्छ वही अमरूद अपने घर वालों के लिए लेकर गया और तमाम घर वालों को अमरूद बहुत पसंद आए। घर वालों ने कहा, वाह क्या मजेदार और मीठे मीठे अमरूद हैं। जब ये अमरूद इतने मीठे और मजेदार हैं, तो ये अमरूद खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ के घर वालों ने मगरमच्छ से बंदर का शिकार करने और उसको घर लाने की फरमाइश की, लेकिन मगरमच्छ ने साफ इनकार कर दिया। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे रोज खाने के लिए देता है। लेकिन मगरमच्छ के घर वाले उससे नाराज हो चुके थे और अब मगरमच्छ मजबूर हो चुका था। अब मगरमच्छ बंदर को लेने चल दिया और बंदर से कहा कि बंदर भाई, आप रोज मुझे अमरूद खिलाते हैं, क्यों ना आज मैं आपकी दावत करूं। बंदर बहुत खुश हुआ और खुशी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। रास्ते में बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, मेरे लिए दावत में क्या क्या बनाया है। मगरमच्छ ने कहा, केले की बिरयानी, खोपरे की खीर और आम का शरबत, आपको खाने में बहुत मजा आएगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि बंदर भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर वाले आपका शिकार करके आपका दिल खाना चाहते हैं। बंदर ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और मगरमच्छ से कहा, ओहो हम बंदर तो अपना दिल ऊंचे पेड़ पर छुपा कर रखते हैं, चलो वापस लेने चलते हैं। अब मगरमच्छ और बंदर जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचे, बंदर फौरन से दरख्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, अब भला कोई अपने दिल के बिना भी जिंदा रह सकता है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और रोज तुम्हें खाने के लिए भी दिया, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ हो, अब ना ही तुम्हें मेरा दिल मिलेगा और ना खाने के लिए अमरूद मिलेंगे, जाओ जाओ चले जाओ यहाँ से। और मगरमच्छ वहां से शर्मिंदा होकर चल दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खतरे के वक्त हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी हाल में किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।